हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर एन सिंह। दोस्तों, चलिए मैं अपने इस चैनल में एक बहुत ख़ास चीज़ लेकर आया हूं और आज मैं आप लोग को मखाना के बारे में बताऊंगा। मखाना को बहुत सारे लोग जानते हों, जिसको लावा कहते हैं, जो मेवा में जो है सफ़ेद सफ़ेद लावा होता है उसी को हम मखाना कहते हैं। इसको हम फिगर में लगा दे रहे हैं, आप देख सकते हैं, सभी लोग खाए होंगे लगभग, लेकिन इसके बारे में आप लोग नहीं जानते कि हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद होता है। इसलिए चलिए अपने इस वीडियो में आप लोग को आज मखाना के बारे में बताऊंगा कि ये हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद होता है। सबसे बड़ा चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, पुरुष या महिला दोनों के लिए इनफर्टिलिटी की अगर समस्या हो तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करता है मखाना। तो इसको जानने से पहले आप मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। तो चलिए मैं आप लोग को बता दूं कि कई बार ऐसा देखा गया है कि पुरुष या महिलाओं दोनों में इनफर्टिलिटी की समस्या होती है और आसानी से फर्टिलिटी नहीं हो पाती है। कभी पुरुषों में कमी होती है तो कभी महिलाओं में कमी होती है। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे लोग यहाँ से वहाँ जो है दौड़ते हैं, जाते हैं, डॉक्टर से इलाज कराते हैं। तो अपने इलाज के साथ अगर मखाने का आप प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें बहुत ही अच्छा काम करता है, क्योंकि महिलाओं में देखा गया है कि बहुत सी महिलाओं में PCOD या PCOS की समस्या होती है। या PCOD होती क्या दोस्तों, कि बच्चेदानी में गांठ बनने लगती है, तो फैलोपियन ट्यूब जो होता है, जो नलिका होती है, उसमें गांठ बनने लगती है, जिससे कि वो ओवुलेशन जो होता है, अंडा जो है नहीं बन पाता है और महिलाओं का पीरियड इरेगुलर होने लगता है। तो इसकी समस्या को दूर करने के लिए महिलाएं ट्रीटमेंट कराती हैं। अगर आप मखाने का प्रयोग कर रहे हैं या कर रही हैं तो ये इनफर्टिलिटी की जो समस्या होती है ये धीरे धीरे सही होती है। इसी तरह से देखा गया है कि पुरुषों में जो है स्पर्म की कमी होती है या शुक्राणुओं की कमी होती है या वीर्य की कमी होने लगती है, तो मखाना का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो ये समस्या धीरे धीरे सही हो जाती है। अगर दोस्तों आपका पार्टनर इनफर्टिलिटी से ग्रस्त है तो आपको अपने डाइट में बदलाव लाना चाहिए हेल्दी रहने के लिए और इनफर्टिलिटी को ख़त्म करने के लिए जो डाइट है उसमें जो है मखाना का प्रयोग करना चाहिए। पुरुष और महिला दोनों के लिए जो है बहुत ही फायदेमंद होता है, इनफर्टिलिटी में जो है बहुत ही मददगार होता है। यदि पुरुषों में शीघ्रपतन की समस्या है, स्पर्म की क्वालिटी या काउंट कम है, स्पर्म लो है या जो है उसमें शुक्राणुओं की कमी है, तो आप मखाना का प्रयोग करते हैं तो यह समस्या ख़त्म हो जाती है। और महिलाओं में अगर पीरियड के समय जो है थक्का ब्लड निकलता हो या तो ब्लीडिंग ज़्यादा होती हो, सफ़ेद पानी आता हो, मिसकैरेज की ज़्यादा संभावनाएं बनती हैं, बार बार मिसकैरेज होता है, बच्चेदानी कमज़ोर हो जाती है इसकी वजह से, तो गर्भधारण कर पाना महिलाओं के लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आप मखाने का प्रयोग करती हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर किसी महिला को PCOD या PCOS या थायराइड या शुगर की बीमारी हो, तो अगर आप मखाने का प्रयोग कर रही हैं जिसकी वजह से कमजोरी होती है PCOD, थायराइड, डायबिटीज़ की वजह से, तो मखाने का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो आपके शरीर में कमजोरी नहीं आने देता है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वज़न भी घटाने में बहुत ही मददगार होता है मखाना। तो अगर मखाने का प्रयोग कर रहे हैं तो आपके लिए, और ये जो डाइट में अगर प्रयोग कर रहे हैं तो आपका थायराइड भी नॉर्मल रहता है, आपका जो है शुगर भी नॉर्मल रहता है और कमजोरी नहीं आने देता है। इसके अलावा फैट भी बढ़ने नहीं देता है, मोटापा भी बढ़ने नहीं देता है। तो चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ कि अगर एक कप मान के चलिए 32 ग्राम होता है, लगभग 32 ग्राम एक कप अगर मखाना ले रहे हैं तो उसमें कितना पोषक तत्व पाया जाता है। तो एक कप अगर हम मखाना लेते हैं तो 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है दोस्तों, जो कि हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, और 5 ग्राम प्रोटीन्स पाया जाता है, और इसके अलावा 15.9 ग्राम विटामिन ए पाया जाता है, 0.3 मिलीग्राम विटामिन B6 जो कि हमारे ब्लड संचार को सही रखता है, तंत्रिका तंत्र को बनाए रखता है, सही रखता है, और इसके अलावा 33 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड पाया जाता है और 1.2 मिलीग्राम आयरन पाया जाता है, जिससे कि शरीर में खून की कमी नहीं होती है महिलाओं में और ताकत भी देता है। इसके अलावा 198 मिलीग्राम ओमेगा फैटी एसिड पाया जाता है और फास्फोरस 198 मिलीग्राम पाया जाता है दोस्तों। इसके अलावा ओमेगा फैटी एसिड 32 मिलीग्राम पाया जाता है और 340 मिलीग्राम ओमेगा फैटी 6 एसिड पाया जाता है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और ओमेगा फैटी 3 और ओमेगा फैटी 6 एसिड जो होता है वो हमारे शरीर में जो है फैट को ज़्यादा
बनने नहीं देता है और जो ज़्यादा हानिकारक फैट होता है उसको बर्न करता है। इतने सारे पोषक तत्व मखाना में पाया जाता है दोस्तों, जो कि हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए और फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो महिलाएं जल्दी गर्भधारण नहीं करती हैं और जो पुरुष में स्पर्म की क्वालिटी बेहतर नहीं होती है, मखाने के अगर प्रयोग करते हैं तो वह जो हेल्दी रहते हैं। और मैं आप लोग को बता दूं कि इसको खाने का तरीका, थोड़ा सा जो है देसी घी ले लीजिए और मखाने को जो है रोस्ट कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा पीला अपन के लिए जो हल्दी मिला लीजिए और स्वाद के लिए हल्का सा सेना नमक आप उसमें मिला करके उसको जो है रोस्ट कर लीजिए, भून लीजिए, आप उसको खा सकते हैं। अगर आपको रोस्ट किया हुआ पसंद नहीं है तो आप इसको दूध में पका करके इसका खीर बना करके भी आप खा सकते हैं। मखाने का खीर सुबह में खाइए, बहुत ही फायदेमंद रहता है, या तो रात में खाइए, उसमें थोड़ा सा हल्दी ज़रूर डाल लिया करिए। ये जो है फर्टिलिटी को सुधार करता है। और दोस्तों रात को अगर ये मखाने का जो है दूध बना करके या खीर बना करके आप पी रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आपकी स्पर्म काउंट को जो बढ़ाता है और सेक्सुअल पावर को भी बढ़ाता है, जिससे कि पुरुषों में जो नपुंसकता होती है या शीघ्र पतन की समस्या होती है वह ख़त्म हो जाती है। जो पुरुष का स्पर्म जो है पतला होता है उसमें गाढ़ापन करता है, चिपचिपाहट की मात्रा बढ़ाता है और स्पर्म की क्वालिटी बेहतर करता है। और मखाना खाने से यौन की जो इच्छाएं होती हैं वो बढ़ जाती हैं। बहुत सारे लोग की इच्छाएं धीरे धीरे हार्मोनल इफेक्ट होने की वजह से घट जाती है, या जैसे उम्र बढ़ती है तो उसकी वजह से घट जाती है। बहुत से लोगों में शीघ्र पतन की शिकायत होती है तो उनके लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। तो जो महिलाएँ गर्भधारण नहीं कर पाती हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। और जो पुरुष के अंदर नपुंसकता है या तो स्पर्म क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वे भी इसका प्रयोग करें, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी हो जाती है और जो है पुरुषोत्तम की जो शक्ति होती है वो बढ़ जाती है। तो इसका आप प्रयोग करें मखाने का। आपको दोनों प्रकार से मैंने बता दिया, आप रोस्ट भी करके खा सकते हैं या तो आप मखाने की खीर बना के खा सकते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। नमस्कार।